केजरीवाल को कोसने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी होती चली जा रही है, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे क्या कहा है हमारे देश के माननीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने। येड़ा मुख्यमंत्री कहा उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, कि किस दिशा में इस देश की राजनीति जा रही है, और अगर कोसने वालों की लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है तो इसके पीछे वजह क्या है। इन्हीं तमाम सवालों को उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। किरण बेदी जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बरखा सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर में, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और गोपाल राय आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको जरा सुनाते हैं सुशील कुमार शिंदे का वो बयान, क्योंकि उन्होंने येड़ा मुख्यमंत्री कहा है अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल पर गृह मंत्री का ये वार, जिसमें उन्होंने येड़ा शब्द का प्रयोग किया, मायने उसकी यही है कोलोकियल भाषा में अगर दे तो, पागल पागल सीएम की वजह से मुझे पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द करनी पड़ी। ये है उनका बयान। और इसके साथ ही वो सवाल कि आखिर जो राजधानी में इन दिनों देखी जा रही है भाषा में गिरावट, वो कहां जाकर रुकेगी। और ऐसा नहीं है कि ये बीते दिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता केजरीवाल और उनकी पार्टी को सिखा रहे थे कि संयम बरतिए, ना उन्होंने संयम बरता ना इन्होंने। अब सवाल इसमें ये कि किस दिशा में हम पढ़ रहे हैं। आइए आपको जरा सुना दें देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। माजी पुलिस अधिकारी है, आता काय गलतीचा भाग म्हटलं तर खरी घटना आहे। लग्न झालं माझं आणि हनीमूनला जायचं होतं मला, ते बांद्र्याला खेरवाडी पोलीस स्टेशन म्हणून आहे, तिथं होतो। मला काय रजा मिळाली नाही। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या।